मामला ललितपुर के थाना तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों से पुलिस परेशान थी। उसी क्रम में आज एक शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसने कई चोरियों का राज उगला, जिससे पुलिस ने लाखों रुपए के जेवरात भी बरामद किए, जिसका आज ललितपुर पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग ने खुलासा कर दिया। दरअसल यह चोर लंबे अरसे से क्षेत्र में भोले भाले लोगों को अपने झांसे में फांस कर चोरी की घटना को अंजाम देता था, जिसकी पुलिस को लंबे अरसे से तलाश थी। आखिर यह चोर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। यह चोर झांसी का रहने वाला बताया गया। साथ ही चोर की घटनाओं को अंजाम देने के लिए ललितपुर में एक किराए के मकान में अपनी मां के साथ रह रहा था और यहां पर अपना अड्डा बनाए हुए था। घटना को अंजाम देकर झांसी भाग जाता, जिससे कि पुलिस की नजरों से बचा रहे और चोर सिपाही का यह खेल लंबे समय से खेलता रहा। आखिर पुलिस के लंबे हाथ उसकी गर्दन तक पहुँच ही गए और पुलिस ने इसे पकड़ कर सलाखों के पीछे भेज दिया। किस तरह भोले भाले लोगों को यह शातिर चोर अपने जाल में फंसा कर चोर की घटनाओं को अंजाम देता था, आप खुद ही सुन लीजिए उसकी जबानी। चोरी करी हमने, तो चोरी ना सुने घर में, अच्छे सा चोरी कर ली। अच्छा। माल आपने देखा तो है सर, अकेला थोड़ी है हमने, अभी कहाँ बेचा। चोरी हम करते हैं सर, गलत नहीं करते, अगर हमने गलत में हम बिजे तो करे ही नहीं पैसा। एक बहुत अच्छी कामयाबी मिली है, जिसमें एक शातिर अपराधी वो हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये आज चेकिंग चल रही थी, जैसा हम लोग रूटीन में अपराधियों पर लगातार अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई कि वो आ रहा है और उसके पास कुछ ऐसे सामग्री है जो चोरी के हो सकते हैं और उसको बेचने का प्रयास करेगा। इस सूचना पर स्वाट टीम तालबेहट SHO, बानपुर SHO और पूरी टीम के साथ लगे। चेकिंग के दौरान ये आदमी पकड़ा गया। इसकी तलाशी लेने पर ये सारे जेवरात जो आपके सामने हैं ये बरामद हुए, जो विभिन्न स्थानों पर इस अपराधी ने चोरी किए हैं। इसमें विशेष बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले तालबेहट में एक बच्ची के साथ गलत घटना हुई थी, उस घटना को भी इसी व्यक्ति ने कारित किया, इसने स्वीकार किया और बच्ची ने भी पहचाना है। इस तरह से बहुत ही शातिर अपराधी है, पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास है, झांसी और जालौन में भी इसने चोरी और मारपीट की कई घटनाएं की हैं और बहुत सारी रिकवरी है, जिसका अंदाजन मूल्य लगभग 8 लाख रुपए है। साथ ही 50,000 से ऊपर की कैश धनराशि बरामद हुई है। इसके पास एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। एक आला है जिससे ये चोरी करने के लिए ताले तोड़ता है और दरवाजे वगैरह खोलता है, उस आले को भी बरामद किया गया है। ये सारी रिकवरी वगैरह इसके निशानदेही पर इनके पास से की गई। इस तरह से शातिर अपराधी की गिरफ्तारी जो पूरी टीम हमारी किया है, उसको हमने उस आवर्धन के लिए 25,000 रुपये इनाम भी दिया है। वैधानिक कार्रवाई करके इसको हम लोग जीत लेंगे। सर इतने कितनी चोरी की हुई है? DIG रेंज से भी सर इनाम की गुंजाइश? हाँ बिल्कुल, उम्मीद है कि सर भी इसमें हमें कुछ इनाम देंगे। जी ये अकेला करता है, ये व्यक्ति अकेला है और ऐसे स्थान को चिन्हित करता है जहाँ घर अकेला हो। सर अकेले ही जा रहा।